कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक वर्कशॉप मुनक्कद कराया जिसमें बहुत सारी बातें हुई। आज के वर्कशॉप में जो विषय चर्चा का रहा उसमें यही कंसर्न रहा कि जो बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है हमारे सरकारी स्कूल में, टीचर्स ने अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस पे जैसे तैसे करके पेरेंट्स को मोटिवेट किया है और एक कसी तादाद इस वक्त हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की है, ख़ासतौर से जो प्राइमरी विंग है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि रैशनलाइजेशन के नाम पे बहुत सारे टीचर्स को डिप्यूट किया जा रहा है प्राइमरी स्कूलों से और एलिमेंट्री स्कूलों से हायर क्लासेस के लिए। हम सीओ साहिबान से, जडीओ साहिबान से गुजारिश करेंगे कि अगर हायर सेकेंडरी में ऑलरेडी लेक्चरर साहिबान तैनात हैं उनसे हमारी विनती ये रहेगी कि वो मैनेज करें 9th क्लास को और 10th क्लास को जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर वो मैथ और साइंस के मजमून पढ़ा सकते हैं। और उनके साथ साथ के साथ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि प्राइमरी विंग को और एलिमेंट्री विंग को किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब ना किया जाए, खासतौर से जो केजी क्लासेस के लिए स्टाफ है उसको किसी भी सूरत में डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर ये डिस्टर्बेंस रही तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पेरेंट्स का ट्रस्ट तो ख़त्म हो ही जाएगा और हमारी एक जवाबदेही बनेगी उन पेरेंट्स के सामने जिन्होंने के लिए हमने अपने पर्सनल एफर्ट्स लगाए हैं एनरोलमेंट के लिए।